हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रिया चंदेल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी स्नैक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और बनाते हैं ये हेल्दी रेसिपी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ इन्ग्रीडियंट्स पहले से ही तैयार करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ये रेसिपी। यहाँ है कुछ ऑनियन जो मैंने चॉप करके रखे हैं, देन टमाटो, बॉयल पोटैटो, देन चॉप कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला एंड ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन एंड ग्रीन चिली। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये हेल्दी रेसिपी। मैं ले रही हूँ यहाँ एक बाउल, और यहाँ मैंने मूंग दाल को स्टीम देके पहले से ही रखा हुआ था, और अब मैं इस मूंग दाल को इस बाउल में ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मेरे जो बाकी के सब इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं एक एक करके इसके अंदर ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप अनियन, देन टमाटो, बॉइल्ड हुए हुए पोटैटो। फ्रेंड्स, यहाँ आप इसमें और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोकुम्बर, कैरेट, कैप्सिकम। मैं सिर्फ यही वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ। देन कोरिएंडर लीव्स, देन उसके बाद ग्रीन चिली, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, पेपर पाउडर। अब मैं इन सबको एक स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब फ्रंट में इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, और इसे ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से स्पून की हेल्प से एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके तो देखिए, यहाँ मेरी ये चाट जो है बनके तैयार हो गई है। जस्ट अब मैं इसको आपको एक बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मूंग चाट बनके जो है तैयार हो गई है, और लास्ट में मैं इसमें कुछ कोरिएंडर लीव्स जो हैं इसमें डालूंगी। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।